डमी युवक को परीक्षा और शारीरिक जांच में पास करवा कर शहर पुलिस में सिपाही की नौकरी हासिल करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें जयपाल कारभारी कंकरवाल और अर्जुन सुलाने वैजापुर औरंगाबाद शामिल है। उनके साथ ही विशाल लखवाल, मिथुन गबरू सिंह बमनावत, तेजस जाधव फरार है। शहर पुलिस में सिपाही, वाहन चालक और जेल रक्षक के लिए भर्ती चल रही है। इस भर्ती में राज्य के कई जिलों के युवकों ने हिस्सा लिया है। तीनों ही भर्ती में 50,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ताजा फर्जीवाड़ा सिपाही भर्ती का है। जयपाल और अर्जुन ने सिपाही पद के लिए आवेदन किया था 28 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा, जबकि 1 दिसम्बर 2021 को शारीरिक जाँच हुई। अर्जुन और जयपाल के स्थान पर दूसरे युवकों ने लिखित परीक्षा और शारीरिक जाँच कराई। मूल उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले डमी की शक्ल सूरत में अधिक अंतर नहीं होने से किसी का भी गड़बड़ी पर ध्यान नहीं गया। बिल्कुल, पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में नागपुर शहर पुलिस की भर्ती प्रक्रिया यहां पर हुई थी, जिसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन हुई थी। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एक वेरिफिकेशन होता है, जिसमें हमने सारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जब पूरा जो उस टाइम का जो शूटिंग है वो हमने वेरीफाई किया, तब हमें ये समझ में आया कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रिटन में अलग दिखाई दे रहे हैं और फिजिकल में अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी गहराई तक हमने जाँच की और तब हमें पता चला कि ऐसा प्रकार हुआ है। हमने टीम्स भेजकर औरंगाबाद ज़िले से तीन कैंडिडेट्स को हमने अभी तक अरेस्ट किया है, जिनकी हम लोग अभी और पूछताछ छानबीन कर रहे हैं और इस ये मामले की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है ये क्राइम ब्रांच कर रहा है और जो भी इसमें निकलेगा उसके ऊपर जो कायदेशीर कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो आरोपी अरेस्टेड हैं उन्होंने सीधे जो है वो बताते हैं कि कम मेहनत में, कुछ पैसों की लालच में इन्होंने ये काम किया है। अभी तक तो तीन आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ती जाएगी उसमें और आरोपी जो भी निष्पन्न होंगे उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।